कहा जाता है ना कि सो को उठो, सबसे पहले बिस्तर ठीक करो, तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब बाबू सो को उठ जाता है तभी मैं बिस्तर ठीक करती हूँ। तो है एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कामनी 108 में, और आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, और आप सभी को गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्ते। तो मैं भी बिस्तर ठीक कर रही हूँ, और मेरा बिस्तर ठीक हो चुका है फाइनली, क्योंकि बच्चों के साथ में ना मतलब सब काम टाइम से नहीं होता है, थोड़ा तो इधर उधर चलता ही है। जिसके घर में बच्चे हैं सबका वही हाल है, और ये सब पेपर ऊपर फाड़ के फेंकना, और फिर देख सकते हैं सारे लोग अभी सोए भी थे, मैं लाइट नहीं चलाई थी। अभी हस्बैंड जी वैसे चले गए हैं ड्यूटी, और मैं उठ के अपना किचन का थोड़ा काम की, और बाबू वॉशरूम में, तो मैं भी झाड़ू वाड़ू लगाऊंगी। और देख सकते हैं मैं दूध रख के गई थी गर्म करने के लिए कि बाबू को दूंगी, तो दूध उबल गया ज़्यादा ही। और नहीं देखो ना, खड़ा होकर जब दूध हम गर्म करते हैं तो वो दूध क्या होता है ना, नहीं उबलता। और दूध को हम छोड़ के जब चल जाते हैं तो बहुत जल्दी उबलता है। ऐसा क्यों, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ होता है या सबके साथ होता है मुझे नहीं पता। तो अभी मैं थोड़ा और ठंडा दूध लेके गई, क्योंकि नाश्ता करने का टाइम हो चुका है, दूध ठंडा करेंगे तो टाइम लगेगा, दूध और था तो हम दोनों मिक्स करके दे देंगे ऐसा। तो अभी सबसे पहले झाड़ू कर लेती हूँ जब तक बाबू वॉशरूम में है तो। और ना ये मतलब मेरा घर बहुत छोटा सा है, रेंट का घर कितना ही बढ़ा लेंगे, तो मैं मतलब सब चीज़ जब झाड़ू करना पड़ता है ना तो सबको हटा के करना पड़ता है, और अरेंज भी हम कहाँ करें हमको भी नहीं समझ पाते हैं। तो आपके सभी के पास अगर कोई ऐसा है सुझाव कि हाँ ऐसे अरेंज करना चाहिए तो ज़रूर बताएं, क्योंकि सबको ना सब चीज़ नहीं आता है, तो हो सकता है मुझे भी नहीं समझ में आता हो। तो आप सभी के पास अगर कुछ हो बताने के लिए तो बता सकते हैं। और क्या होता है ना, घर छोटा रहने से ना बहुत प्रॉब्लम होता है, मुझे तो बहुत प्रॉब्लम होता है। गाँव में तो मतलब लगता है कितना है, तो फिर उसकी वजह से यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम से होता है कोई भी काम, तो इसकी वजह से। और मैं फिर उसके बाद झाड़ू वाड़ू कंप्लीट की, इधर बाबू का नाश्ता दे रही हूँ, क्योंकि अभी स्कूल का टाइम है, हो रहा है हुआ नहीं है, तो मैं फटाफट से ये दूध है और ओट्स है, चोको मतलब ओट्स है जिसमें चॉकलेट होता है, बहुत सारा होता है क्या, बहुत सारा कंपनी आता है उसका, तो मैंने उसमें थोड़ा सा एप्पल डाला, और बाबू केला डालने के लिए बोल रहा था तो केला था पर मैं नहीं दी, क्योंकि उसको हल्का सा और सर्दी खांसी हो गया, और मुझे भी हो गया। मेरे वॉइस से तो लग रहा होगा कि मेरा गला ख़राब है, पता नहीं लग रहा है नहीं लग रहा है, मुझे तो लग रहा है मेरा, क्योंकि थोड़ा सा हो गया तबीयत ख़राब मेरा भी। और इधर मैं लंच पैक की बाबू को दी, एप्पल नहीं खाना चाहता है तो केला बोल रहा था, तो पर केला नहीं दे सकते थे, तो ये मैं बाबू को बुलाई सब्जी, क्योंकि आजकल बहुत कम सब्जी खाता है, ले जाता है फेंक देता है, तुम्हें दिखाने के लिए इतना से हो जाएगा क्या, तो बोला हाँ हो जाएगा, अभी इसमें भी से ला के रख देगा। और बच्चों को ना खिलाना बहुत मुश्किल होता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, मतलब आजकल के बच्चे को क्या ही बोला जाए। हम लोग के टाइम पे ना ऐसा नहीं होता था, हम लोग के टाइम पे हम लोग को कुछ भी मिल जाता था, और आनाकानी करते थे तो एक दो झापड़ सुबह सुबह ही मिल जाता था, पर आजकल के बच्चों को जितना डिमांड पूरा करो ना उतना ही बच्चे क्या ही बोलें। तो चलिए मैं फटाफट से तैयार कर देती हूँ और चाय वाय पीती हूँ अपना। उसको फोड़ना मत, रूम में तो एकदम मत फोड़ना पूरा, कितना आज घर गंदा था बेटा, एकदम घर में नहीं फोड़ना है तो बाहर जाओ वहां फोड़ो, अंदर तो बिल्कुल भी नहीं, बहुत घर गंदा निकला आज कचरा, बेड से कचरा निकला, इतना तुम कचरा किए हो। नहीं नहीं बेड पे नहीं, इधर नहीं, रूम में नहीं, बाहर जाना पड़ेगा फोड़ने के लिए।